सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं एंड आई नो कि हर कोई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट स्कोर करना चाहता है. सो हियर आई कम विद द वीडियो गाइस जो आपको मदद करेगी क्लास 12 के साइकोलॉजी में अपना बेस्ट स्कोर करने के लिए. ये होने वाला है चैप्टर 5 का पूरा इंटायर डिस्कशन जिसमें आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा अ लिटिल लेस टू बी एम्फसाइज्ड अपॉन. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिए. चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. पेज नंबर 90 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर आपको थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक साइकोथेरेपी क्या होती है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताया गया है. गाइज ये जो 10 पॉइंट दिए गए हैं रोमन नंबर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर कि आप इन 10 पॉइंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि कई बार घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज़ अबाउट साइकोथेरेपी. उसका रेलेवेंस क्या है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है. सिमिलरली अगर मैं पेज नंबर 91 पे आती हूँ तो वहाँ पे जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के क्राइटेरियाज या कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे कि वो एम्पथी हो गया, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, उसका एक लिमिटेड टेन्योर होता है, इट हैज़ टू गेट ओवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ये सारे ही पॉइंट्स जितने भी हैं आपको अपने टिप्स पे रखने हैं, उनको याद करके रखना है क्योंकि आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जहाँ पर ये सवाल जो बच्चों से पूछे जा रहे हैं. पेज नंबर 92 और 93 में जो 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं जिसका आंसर दिया है गाइज उसको आपको एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने चैप्टर को कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आपको उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द कंट्री देयर इज अनदर वे कि अगर आप उन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एंटायर चैप्टर विल गेट क्लियर. सो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो 5 सवाल क्लियर कर लो या ऑन द कंट्री वाइस वर्सा. बॉक्स 5.1 गाइज आई एम गोना सजेस्ट यू कि कोई भी बॉक्स कोई भी डब्बा बिल्कुल मत छोड़िएगा बिकॉज यू नेवर नो. अगर इतना लिमिटेड सिलेबस है देन वी कैन नॉट गैस कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. वैसे भी 3 ही स्टेप्स हैं और बहुत ही आसान से हैं, आप इन्हें फटाफट से कर सकते हैं. साइकोडाइनमिक थेरेपी एज वी नो इज नॉट कमिंग सो वी गोना स्किप दैट. पेज नंबर 94-95 हम लोग स्किप करने वाले हैं एंड वी स्ट्रेट अवे कम ऑन बिहेवियरल थेरेपी. बिहेवियरल थेरेपी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिहेवियरल थेरेपी क्या है, उसके कौन कौन से थियरिस्ट हैं यानी कि पैवलोव, स्किनर, बैंडियोरा, इन सभी के नाम आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और उसके बाद मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन और एंटीसीडेंट इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, या एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होता है इसमें डिफरेंस, या योर मेंटेनेंस फैक्टर एंड मेंटेनेंस कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है. ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप इसको बहुत अच्छे से करके रखिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है एंड देयर मे बी अ 2 मार्क क्वेश्चन आउट ऑफ दिस. देन बात की जाए बिहेवियरल थेरेपी की, मुझे लगता ही नहीं कि आपको ये पोर्शन स्किप करना चाहिए एट एनी कॉस्ट. दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन गाइज. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो ऑल द टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी विच इज़ योर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट अवर्सिव कंडीशनिंग, योर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट टोकन इकोनमी, सिस्टमैटिक डिसेंसराइजेशन जो कि बेस्ड आउट है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन के ऊपर, मॉडलिंग, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है. डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन बिकॉज आई फील कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. दे विल मेक अ केस स्टडी एंड दे विल आस्क यू कि आप बताइए कि आप इसमें कौन सी बिहेवियरल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे एंड यू नीड टू गिव डिटेल्स ऑफ इट. सो मेक श्योर दैट यू नो दिस वेरी वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द कॉग्निटिव थेरेपी. नाउ अगेन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने कई क्वेश्चन पेपर्स में अभी तक ऑब्जर्व किया है कि एक केस स्टडी बना देते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विच थेरेपी वुड यू यूज टू ट्रीट द पेशेंट. सो यू शुड नो कि कॉग्निटिव थेरेपी 2 लोगों ने दी थी, एरन बेक और एल्बर्ट एलिस. उन थेरेपीज का क्या मतलब था, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, नॉन डायरेक्टिव टेक्निक क्या होती है, काउंटर क्वेश्चनिंग क्या होती है, ये सभी सेक्शंस आपको पता होने चाहिए एंड यू मे बी रिक्वेस्टेड और यू मे बी रिक्वायर्ड टू राइट दैट इन योर आंसर. ओके, सो डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है. 1 मार्क 2 1 मार्क तो है नहीं, क्या 2 मार्क का हो सकता है. सीबीटी अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. आई हैव सीन दैट अभी वाले क्वेश्चन पेपर से मैंने नहीं देखा है 2, बट आई हैव सीन इन प्रीवियस जो पहले ये जो सिचुएशन है इससे पहले जो सब क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें आई हैव सीन सीबीटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं बट नॉट एट द मोमेंट. ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल थेरेपी अगेन गाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, वही केस स्टडी दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, आप किस तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है. सो इज़ फॉर दिस वन. नाउ द नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल विच इज़ नॉट कमिंग.
then the factors contributing to healing psychotherapy. So far, I have not seen the question. But what you could do is you can just highlight the important few words or few lines in the answer और उसी को elaborate in your own words. ठीक है, ethics are the same that you've been doing in your class 11th की debriefing हो गया, confidentiality हो गया, same सारे same points हैं. Alternative therapy guys, मुझे ऐसा लगता है कि alternative therapy एक important सवाल हो सकता है, but compare अगर मैं करूँ बाकी के therapy वाले question से, तो मुझे लगता है कि ये little less important question है. ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आप बस ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में कौन कौन सी आती हैं, यानी कि योगा एंड मेडिटेशन मोस्टली आता है, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है और मतलब किस तरह से वो ओसीडी या बाकी के अदर डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है और किसने ये रिसर्च किया है, या बेसिक सेक्शन विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. देन कम्स द रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल. इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, वोकेशनल थेरेपी क्या होती है और सोशल स्किल क्या है. With that, you make sure that you do all the questions that are from the chapter. जो पीछे के background में जो question दिए गए हैं 11 question, इसको आप बहुत ही thoroughly और बहुत ही अच्छे से तैयार करिए. उसमें आपको clarity होनी चाहिए कि किस के सवाल पे कौन सा answer लिखूँगी या लिखूँगा. अगर आपको ये clarity है और ये understanding है, I think nobody can stop you to get full marks from chapter number 5. I understand कि chapter थोड़ा सा याद करने के लिए आप लोगों को टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप अपना एफर्ट देते हो, अगर अपना दिमाग के जो ताले हैं उन्हें खोल करके पढ़ रहे हो, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. सो दिस इज़ अबाउट योर चैप्टर नंबर 5 विच इज़ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. गाइज, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सवाल है जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू ऑल, आइदर ऑन माई लाइव सेशन और मे बी इन द कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मदद मिलेगी, कुछ समझ आएगा एंड होपफुली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ सपोर्ट मिलेगा. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज. आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू ऑल विद माई नेक्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर वाइज डिस्कशन वेरी सून. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय.